हे गाइस, ममता मिश्रा, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लाई हूँ एक DIY। अगर आप लोग को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जी हाँ, वो DIY है। आज मैं आप लोग के लिए ग्लासी फेस जो होता है उसके लिए फेस पैक लेके आई हूँ। फेस पॉलिश जो होता है, हम लोग बॉडी पॉलिश करवाते हैं फेस पॉलिश, लेकिन मैं आज मैं फेस पॉलिसी का एक पॉलिश का एक वीडियो लेके आई हूँ। आपका फेस जो है, जो दाग धब्बे झुर्रियाँ या फिर पिगमेंटेशन या टैन या फिर धूप से जो बर्न हो जाता है सनबर्न, उसके लिए मैं एक फेस पैक लेके आई हूँ। आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा और ग्लो देगा। और जो भी है, सिर्फ एक हफ्ते का चैलेंज है, एक हफ्ते का मैं चैलेंज लेके आई हूँ, आप उसको लगाइए। एक हफ्ते का मैं चैलेंज गारंटी के साथ दे रही हूँ कि अगर एक हफ्ते आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका फेस एकदम ग्लो करने लगेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो गाइस, मैंने लिया हुआ है 2 चम्मच बेसन। बेसन चेहरे को टैनिंग से दूर रखता है और पिंपल्स को हटाता है, झुर्रियों को भी हटाता है ये, और आप ये चेहरा ग्लो करने में भी मदद करता है, और चेहरे पे जो फाइन लाइन्स झुर्रियाँ हैं वो सब हट जाता है, और जो आपका आपके चेहरे में एक नमी रखता है ये क्लिंजर का एक काम करता है आपका जो ये बेसन है। तो चलिए अब मैं इसमें मिक्स करती हूँ हल्दी। देखिए, मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया हुआ है, जिसको हल्दी से दिक्कत होता है वो थोड़ा सा ही ले, तो मैं इसमें हल्दी मिक्स कर दूंगी बेसन में। हल्दी का काम क्या है, हल्दी त्वचा के मुहासों को कम करता है और क्लिंजर का भी ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं हल्दी ले ली हूँ, अब मैं इसमें लूँगी दही। मैंने देखिए थोड़ा सा दही लिया हुआ है। दही में क्या है कि दही में विटामिन सी होता है और ये सनबर्न से भी आपको बचाता है और चेहरे पे निखार लाता है, और जो ड्राई स्किन होता है उसकी समस्या भी ये दूर करता है, और एंटी एजिंग को भी, जिनका मतलब एज ज़्यादा है वो दही अगर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो उनका जो फेस पे कसा है वो भी रहेगा, और जो एज दिखने लगता है वो भी धीरे 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 कम हो जाएगा। और मैं लूँगी अब शहद। देखिए, मैं थोड़ा सा शहद इसमें मिक्स करूँगी। शहद का क्या काम है, शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और त्वचा को कोमल बनाता है, ये एक्ने और मुहासों को भी ख़त्म करता है, ये भी क्लिंजर का ही काम करता है गाइस। और लास्ट में मैं लूँगी, इसमें दही हो गया और बेसन हो गया, शहद हो गया और हल्दी हो गया, सारा मैंने मिक्स कर अच्छे से कर दूंगी, क्योंकि ये फेस पॉलिश का काम करेगा आपका, और जो निखार है आपके फेस पे वो, अगर जिनके फेस पे निखार है वो बना रहेगा, और जिनके फेस पे ग्लो नहीं है वो, इसको एक हफ्ते का मैं चैलेंज देती हूँ, उनके फेस पे धीरे 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 ग्लो आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पैक तैयार हो जाएगा गाइस। अब मैं इसको अपने हाथ से अच्छे से अप्लाई करूँगी। और कोई पैक आप अपने आइस के नीचे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ये इतना अच्छा पैक है कि इसको आप अपने आइस के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। जितना मैंने बताया हुआ है अगर आप इसको कर लेंगे, तो मैं एक हफ्ते का चैलेंज करती हूँ कि आपके फेस पे एक बहुत अच्छा निखार आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और आपका फेस जो है, जो धूप से झुर्री और कोमल नहीं रहता आपका फेस, बहुत डर्ट जमा रहता है, ये धीरे 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 सब कुछ साफ़ कर देगा। जो धूप में निकलते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो सुबह उठें तो डायरेक्ट ये पैक अपना अप्लाई करके और फिर काम करना शुरू कर दें, फिर 15 मिनट बाद इसको धुल लें पानी से। मैं फेस वॉश कर ली थी, उसके बाद जो है मैं अपने फेस पे नाक क्रीम कुछ नहीं अप्लाई की थी, डायरेक्ट मैं अभी पैक अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, देखिए, मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है।
अब मैं इसको सूखने दे रही हूँ, फिर मैं 15 मिनट बाद इसको धुल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ किसका कैसा रिजल्ट है। गाइस देखिए पैक सूख गया है, बहुत ज़्यादा नहीं सूखेगा क्योंकि गर्मी है, तो इसलिए मैं 20 मिनट रख रही हूँ इसको, और ये हल्का सूख गया है तो मैं अब इसको धुल के आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट है। देखिए मैंने धुल लिया है गाइस, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आप अप्लाई करेंगे एक हफ्ता सिर्फ मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। मैं इसको अच्छे से पेट ड्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं एक मॉइस्चराइज़र अपना पॉन्ड्स का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हुई हूँ, वही पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगी। और अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद फिर मैं छोड़ दूँगी, फेस वॉश नहीं करूँगी। अच्छे से इसको सुखाना है, इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मैं इसका वीडियो शेयर की हुई हूँ पॉन्ड्स का, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए। प्लीज़ आप इसको देखिए और लीजिए, मैं तो कहूँगी लीजिए ज़रूर। अच्छे से मैं आपको ऐसे फिंगर से ऐसे इसको ऐसे फिर से अप्लाई कर लूँगी। देखिए बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देता है, आप अप्लाई कीजिए। आपका झुर्रियाँ, डी टैन और आपका सनबर्न, आपका पिंपल्स ग्लो नहीं रहता है, वो सब सब ये देगा, इसमें सब बेनिफिट्स है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, हाँ मेरे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।